हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। देखिए, राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सैनिक स्कूल झुंझुनू से वैकेंसी आई हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, पीजीटी पोस्ट पर ही है। ठीक है, पीआरटी वालों के लिए नहीं है ये पीजीटी। कॉन्ट्रैक्चुअल डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको होम पेज पर दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात क्या होती है इन स्कूल की, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लग जाते हैं और जब रेगुलर वैकेंसी आती है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस किस सब्जेक्ट की जो है यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। यदि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं तो जरूर अप्लाई करिएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर जो है वो 65,000 से अबव जो है वो आप लोगों को सैलरी मिलती है। ठीक है, चाहे केवी हो, सैनिक स्कूल हो, तो इनकी जो सैलरी होती है वो काफी अच्छी होती है। केवी से भी ज्यादा अच्छी सैनिक स्कूल की रहती है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहली बात, जैसे कि केवी के लिए आप लोगों ने फॉर्म भरा, जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है वहां पर वही यहाँ पर मांगी जाती है। वैकेंसी जो है वो पीजीटी इंग्लिश की है, पीजीटी फिजिक्स की है, पीजीटी केमिस्ट्री की है, बायो की है, मैथ की है और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की है। तो आपको यदि एडवर्टीजमेंट सही से दिखाई नहीं दे रही है तो मैं आप लोगों को ऑथेंटिक जो साइट है वो मैं बता दूंगी, तो आप लोग खुद चेक करिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो चाहे इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ हो, पीजीटी से, तो यहाँ पर मास्टर डिग्री के साथ में बीएड चाहिए। ठीक है, और बीएड है, एमएड है, तो और भी ठीक रहेगा। और साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर मांगते हैं, ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी है एक्सपीरियंस तब भी चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से पीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत सारी जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहती हैं, जैसे कि अगर किसी ने जो है बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से किया है, आईटी किया है, ठीक है, या फिर एमसीए किया है, एमएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है, या मास्टर किया है आईटी में, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तो काफी जो है यहाँ पर रहती है। ठीक है, और बीएड जो है वो जरूरी नहीं है, कंप्यूटर साइंस पीजीटी वालों के लिए बीएड जरूरी नहीं है। ठीक है, सैलरी जो है वो आप देख सकते हैं, सैलरी बहुत अच्छी रहती है, 65,000 पर मंथ। जब आप एप्लीकेशन कर दोगे तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड जो है वो किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो आप लोगों का थोड़ा बहुत रिटर्न टेस्ट या फिर जो है स्किल टेस्ट, ठीक है, यानी कि आप लोगों के अंदर क्या क्वालिटी है, इंटरव्यू जो है इस तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, और टीए डीए जो है वो आपकी सैलरी में जो है वो ऐड होगा। बहुत अच्छी जो है वो सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है। केवी की जिस तरीके से क्वालिफिकेशन होती है पीजीटी में, उसी तरीके से यहाँ पर होती है सैलरी। देखिए 65,000 जो है वो बहुत अधिक है। और ये भी बात है कि आप लोग अगर पहली बार जो है यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो एक तो आपको जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ में जब सैनिक स्कूल की रेगुलर वैकेंसी आती है तो आप जो है आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी आपको सबसे आगे रखा जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये सबसे जो है वो अच्छी बात रहती है। तो आपको जो है वो कैसे करना है अप्लाई, यहाँ रिक्रूटमेंट पर जो है वो आप यहाँ क्लिक करेंगे, स्टाफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, स्टाफ रिक्रूटमेंट यहाँ पर क्लिक जैसे ही करेंगे ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो पीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल डिटेल एडवर्टीजमेंट, इस पर क्लिक करते ही आपको डिटेल में एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट। उसके बाद एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किस तरीके का रहेगा, तो यहाँ पर पीडीएफ जो है इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पीडीएफ, ये वाली जो पीडीएफ है ओपन हो जाएगी, इसमें आप देख सकते हो यही आपको भरना है। ठीक है, इसी को जो है वो आपको स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, आप नाम भरेंगे, ठीक है, अपने पिता का नाम भरेंगे, उसके बाद जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कंप्लीट एड्रेस डालेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप फिल करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आप बहुत अच्छे से जो है ढंग से भरेंगे और उसके बाद लास्ट में अपने सिग्नेचर कर देंगे। 2 जून से पहले पहले जो है वो आप लोगों को अप्लाई करना है, लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ फॉर एप्लीकेशन की। ठीक है, तो आप लोग जो है वो डिटेल में जाकर जो है इस चीज को पढ़िएगा, एप्लीकेशन देखिएगा, और एडवर्टीजमेंट जो है वो आप लोग डिटेल में जो दे रखी है वो आप लोग जरूर देखें, उसके बाद जो है अप्लाई करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।